नमस्कार दोस्तों, मैं चेतन रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल चेतन आर्ट ऑफ चार्ट में। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों बैंक निफ्टी को कल यहाँ बुधवार को हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, कौन सी टीम पोर्टल में ट्रेड कर सकते हैं, एंट्री स्टॉप में सबसे जाने के लिए वीडियो को एंट्री जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली, जैसा कि मैंने दोस्तों कल आपको बताया था कि अब हम बैंक निफ्टी देखते हैं यानी 5,000 पहुँच चुके हैं जो कि रेजिस्टेंस जोन है। दोस्तों हमने कल भी रिसर्च किया था, फिलहाल हम डेली चार्ट पे एनालिसिस कर रहे हैं। डेली चार्ट पे जो आप देख पा रहे हो, डेली चार्ट पे हम बिल्कुल रेजिस्टेंस के पास पहुँच चुके हैं। दोस्तों तो यहाँ से एक गिरावट, हल्के पुल की गिरावट हमको देखने को मिल सकती है, और यहाँ अगर एक दिन अगर वॉर कल बैंक निफ्टी होल्ड कर लेता है, होल्ड करने के बाद एक्सपायरी के दिन अगर आउटसाइड मूव देता है तो वो गजब का मूव होगा। 400-500 पॉइंट का मूव आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी 44,000 के आसपास पहुँचता है आपको एक्सपायरी के दिन, गुरुवार के दिन आपको देखने को मिल सकता है। दोस्तों फिलहाल हम चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पे और देखते हैं बैंक निफ्टी को हम कल किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों हमने 15 मिनट का चार्ट लगा लिया और 15 मिनट के चार्ट पे हम कुछ सपोर्ट इसमें ड्रॉ कर लेते हैं, जिससे हमें काफ़ी आसानी हो जाएगी कल के ट्रेड के लिए। दोस्तों 15 मिनट के चार्ट पे हम सपोर्ट इसमें ड्रॉ कर लेते हैं। दोस्तों 15 मिनट के चार्ट पे आप देखोगे दोस्तों कल ये सेलिंग जोन हमने दोस्तों आज ही बनाया, ये सेलिंग जोन हमने कल ही बना लिया था, तो ये सेलिंग जोन है। यहाँ से बैंक निफ्टी अगर यहाँ इसके पास पहुँचते तो यहाँ रिजेक्शन ले सकते हैं। बैंक निफ्टी आज देखिए इसी जोन का बार बार रिजेक्शन ले रहे हो, धीरे 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 बैंक निफ्टी वापस आज नीचे नेगेटिव क्लोजिंग मिली है, लेकिन जो फाइनल क्लोजिंग मिली है वो बैंक निफ्टी वो मिली है 43,552 की क्लोजिंग मिली है, 43,352 की क्लोजिंग मिली है, और बैंक निफ्टी धीरे धीरे के प्लस में ही क्लोज हो रहा है। बैंक निफ्टी ने आज भी प्लस में जाकर क्लोज किया दोस्तों। अब बैंक निफ्टी कल किस तरह से ट्रेड करेगा वो भी देख ले। बैंक निफ्टी आज 118 पॉइंट प्लस में जाकर बैंक निफ्टी ने क्लोज किया है दोस्तों। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है बैंक निफ्टी धीरे धीरे करके जा ऊपर ही रहा है। अगर भले ही आज थोड़े से नेगेटिव ट्रेंड आपको देखिए, एक डोची कैंडल आपको यहाँ देखने को मिल रही है 43,552 की क्लोजिंग मिली है, और बैंक निफ्टी प्लस में 118 पॉइंट जाकर बैंक निफ्टी ने क्लोज किया है दोस्तों। बैंक निफ्टी धीरे धीरे के ऊपर ही जा रहा है। अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी और कल की सेशन में। दोस्तों बैंक निफ्टी फिलहाल जो क्लोजिंग मिली है 43,352 के आसपास, बैंक निफ्टी अगर यहीं किसी जोन में ओपन होता है 300 से लेकर 350 के जोन में अगर बैंक निफ्टी ओपन हो जाता है तो बैंक निफ्टी को यहाँ उधर सस्टेन करने दीजिए। सस्टेन करेंगे तो बैंक निफ्टी अपसाइड निकलता है, और पहला टारगेट हमारा 43,357 के लेवल को अगर बैंक निफ्टी अपसाइड ब्रेक करेगा तो हम कॉल साइड जाएंगे दोस्तों। हमारा पहला टारगेट हो जाएगा 43,477 का, हमारा पहला टारगेट हो जाएगा दोस्तों। ये पहला टारगेट हो जाएगा, इसके बाद दोस्तों हम ये जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस के पास पहुंच जाएंगे, तो फिर यहाँ जाकर हम देखेंगे बैंक निफ्टी किस तरह से बिहेव कर रहा है। कुछ देर अगर बैंक निफ्टी यहीं होल्ड कर रहा है, होल्ड करने के बाद से अगर फिर से अगर 43,488 के लेवल को बैंक निफ्टी भी ब्रेक करता है कल के सेशन में, चार्ट को क्लियर डिस्कस कर लेते हैं, 43,488 के लेवल को अगर बैंक निफ्टी कल अगर ब्रेक करेगा तो अपसाइड में आपको जो टारगेट मिलेगा वो मिलेगा 43,599, मतलब 43,600 के आसपास हम पहुंचेंगे दोस्तों। ये लेवल ब्रेक होने के बाद 43,600 के आसपास हम पहुंच सकते हैं। जो अगला हमारा रजिस्टेंस है यह रजिस्टेंस रहेगा, यहाँ तक के टारगेट हम कल के लिए प्लान कर सकते हैं दोस्तों। इसके ऊपर अगर कल बैंक निफ्टी अगर इसी के ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो फिर एक मूव आपको एक्सपायरी दिन मिल सकता है, जबरदस्त मूव मिल सकता है, तो 44,122 के पास पहुंचा सकता है। अगर कल अगर 43,622 के ऊपर बैंक निफ्टी अगर क्लोज करता है तो फिर आपको जो एक्सपायरी के दिन का मूव है वो अपसाइड का मूव अगर देखने को मिलेगा, तो फिर बैंक निफ्टी पहुँचेगा 44,122 के आसपास, बैंक निफ्टी आपको जाता हुआ दिखाई दे सकता है दोस्तों। ये हमारे कोल साइड के टारगेट है। अब हम पुट साइड के टारगेट डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। पुट साइड कब जाएंगे दोस्तों? पुट साइड दोस्तों हम तभी जाएंगे अगर बैंक निफ्टी यहीं अगर से जोन में ओपन होता है 300 से लेकर 350 के जोन में ओपन होता है। ओपन होने के बाद हल्का सा नीचे आता है, नीचे आने के बाद एक तो हमारे सपोर्ट को होगा जो यानी सर 222 सपोर्ट के रूप में काम करेगा। अगर ये लेवल टूटता है साथ में हमारे ट्रेंड लाइन भी अगर ब्रेक होती तो हम डाउन साइड जो टारगेट प्लान करेंगे वो हमारा पहला टारगेट रहेगा 43,088 का टारगेट हमारा पहला टारगेट हो जाएगा दोस्तों। सेकंड टारगेट हमारा रहेगा 43,099, मतलब 43,000 का राउंड फिगर का लेवल है ये लेवल तक हम कल फोर्थ साइड तक जा सकते हैं। ये दो लेवल आपको कल पहला लेवल ये रहेगा, सेकंड लेवल ये रहेगा, ये लेवल दो लेवल आपको बैंक निफ्टी में कल फोर्थ साइड देखने दिख सकते हैं। तो लेकिन पहले कंडीशन ये है कि 43,205 के लेवल ब्रेक हो, साथ में जो हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी थी ये ट्रेंड लाइन पे करिए, ट्रेंड लाइन आप देख पा रहे हो
ये ट्रेन लाइन अगर कल अगर ब्रेक होती हुई आपको दिखती है तो ही हम पोर्ट साइड जाएंगे, बाकी अगर कल यहाँ आता और यहाँ आने के बाद अगर कोई पॉजिटिव ट्रेन आपको दिखती है तो फिर से हम रिकवरी प्लान कर सकते हैं 3500 के आसपास तक के लिए। कहेंगे फिर धीरे धीरे करके नीचे आता और यार यहीं से ट्रेन लाइन के पास सपोर्ट है तो कोई हैमर पैटर्न मिलती है आपको, हैमर कैंडल मिलती है, कोई पुलिस कैंडल मिलती है आपको, तो यहाँ से फिर से रिकवरी प्लान कर सकते 3600 के आसपास तक, 500 के आसपास से और 3500 के बाद 3600 के आसपास तक टारगेट आपको फिर से कल देखने को मिल सकता है दोस्तों। तो यही टारगेट हम प्लान करेंगे दोस्तों। गैप डाउन भी अगर ओपन होता है इसी रेंज के आसपास और यहाँ से पहली कोई पुलिस कैंडल मिलती है तो फिर हम कॉल साइड प्लान करेंगे, और गैप डाउन के बाद अगर कोई कंडीशन मिलती है या रिपोर्ट करने के बाद अगर ट्रेन लाइन को ब्रेक कर रहा है तो फिर हम पुट साइड जाएंगे दोस्तों। बाकी हम यहाँ से रिकवरी प्लान कर सकते हैं दोस्तों। हम मार्केट अभी अप ट्रेंड में है तो मार्केट जाहिर सी बात है सपोर्ट या ट्रेंड लाइन के पास आकर रिकवरी कर सकती है, तो हम कॉल साइड ही प्लान करेंगे यहाँ से। और यहाँ अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, ब्रेक होने के बाद हल्का सी ट्रेंड लाइन का रिटेस्ट होता है तो ही पुट साइड जाएंगे, बाकी पुट साइड नहीं जाएंगे दोस्तों। अगर गैप अप भी मिलता है कल आपको बैंक निफ्टी 43500-46 के आसपास गैप अप मिलता है बैंक निफ्टी अगर 43500-46 के बाद पहली कैंडल नेगेटिव बनेगी तो हम पुट साइड जा सकते हैं, लेकिन पुट साइड ज़्यादा टारगेट प्लान करेंगे नहीं, हम 3400 से 3300 के आस 355 के आसपास तक का ही टारगेट हम प्लान करेंगे दोस्तों। तो अगर यहाँ से अगर कोई 500 या 600 के आसपास अगर बैंक ओपन होता है, ओपन होने के बाद पहली कैंडल कोई बीरिस कैंडल बनती है, कोई निगेटिव कैंडल बनती है तो हाई एम ऐसे डाल के पुट साइड प्लान करेंगे 43355 तक के लेवल, फिर हम 43355 का लेवल हम फिर बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। तो यही हम प्लान करेंगे दोस्तों। फिलहाल बैंक निफ्टी ने जो ये रेंज बनाई, रेंज को बैंक निफ्टी ने नीचे की साइड में ब्रेक किया, लेकिन ब्रेक करने के बाद जो फाइनल क्लोजिंग मिली है वो इसी रेंज का, ये जो हमारा सपोर्ट लग रहा है दोस्तों 43355 का जो सपोर्ट इसी के आसपास बैंक निफ्टी ने क्लोज किया है। तो इंपॉर्टेंट है कल बैंक निफ्टी ओपन का होता है, ओपन होने के बाद हम डिस्कस करेंगे बैंक निफ्टी का क्या मूड है, उसके आधार पर हम ट्रेड करेंगे दोस्तों। वीडियो अगर दोस्तों अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।